नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ये सरकार से लेकर प्रशासन तक लोगों को समझा समझा कर थक गई है, लेकिन लोग मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। पुलिस के भी लगातार न मास्क पहनने वाले लोगों से उठक बैठक कराते वीडियो वायरल होते हैं या फिर जुर्माना लेते हुए। लेकिन राजस्थान से एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला दो साधुओं को जमकर फटकार लगा रही है और मार भी रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल ये वीडियो राजस्थान का है और ये महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि कांग्रेस की पार्षद है और ये इन दोनों साधुओं को मास्क न लगाने के लिए मार रही है। दो साधु गली से गुजर रहे थे, इतने में कांग्रेस पार्षद पूनम महंत वहां गई। वीडियो में देखा जा सकता है पूनम उन दोनों साधुओं को घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठने के लिए कहती है, धक्का देती है, एक के सर पर थप्पड़ भी घुमा देती है। उनसे पूछती है कि जानते नहीं कोरोना चल रहा है, फिर पूछती है लेकिन इस बार हाथ में थामे डंडे को उठाकर कि पता नहीं है ये कोरोना काल है। दोनों साधु के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। पूनम ने पूछा कि मास्क कहाँ है। उनमें से एक ने गले में टंग रहे कपड़े की ओर इशारा किया। पूनम ने उस कपड़े से मुंह ढकने के लिए कहा डांटते हुए, और दोनों ने इसका पालन भी किया। हालांकि किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और सोचा कि शायद कांग्रेस पार्षद की जागरूकता की तारीफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा लोग उसे ट्रोल करने लगे, क्योंकि जो पार्षद साधुओं को मास्क न पहनने के लिए डांट रही थी, वो खुद भी बिना मास्क के थी। ऐसे में पार्षद पूनम को मेरी एक ही सलाह है, पूनम जी पहले आप खुद तो मास्क लगाइए, तभी लोगों को जागरूक करिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।